हाय एवरीवन, दिस इज़ रितु और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और ये मेरी शुरुआत है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चाहे मैं 2-3 दिन में वीडियो डालूं, लेकिन वो क्वालिटेटिव वीडियो हो जिससे कुछ अच्छी नॉलेज लोगों को मिल पाए। अलंकार के वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि जिन लोगों को अलंकार का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैंने बेसिक अलंकार लिए हैं जो कि स्कूल में भी आपके पढ़ाए जाते हैं और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो काम आते हैं। एडवांस वीडियो अलंकार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, जिसमें कि आपके सारे ही मतलब जो इम्पोर्टेंट अलंकार हैं वो सारे मैं कवर करवाऊंगी, जो कि आपके TGT PGT और आपका DSSB में आपका ज़रूरत पड़ती है जिनकी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके बेसिक ही अलंकार करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार का क्या मतलब होता है, क्यों अलंकार को पढ़ा जाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण, आभूषण यानी गहने, जिस तरह से गहने हम शरीर को सजाने के लिए पहनते हैं और वो हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य जो भाषा होती है हमारी उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। अगर हम ऐसे ही नॉर्मल सेंटेंस बोल देंगे तो उसमें कोई मतलब कुछ अलग बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप अलंकार ऐड करके उसमें बोलते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है। तो बस यही इम्पोर्टेंस होती है अलंकार की। चलिए अब आगे इसके टाइप्स देख लेते हैं। वैसे तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं जो मुख्य होते हैं, फिर इनके सब टॉपिक होते हैं बीच, मतलब कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार हैं, अर्थ अलंकार कितने प्रकार हैं। आज हम कुछ शब्द अलंकार पढ़ेंगे और कुछ अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। वैसे जो ये स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इनको समझना ज़रूरी नहीं है, आप बस मेन अलंकार समझ लेना जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये 5-6 मैंने अलंकार लिए हैं जो मुख्य होते हैं। सबसे पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि वर्ण वर्ण की बात हो रही है, यहाँ पर शब्द की बात नहीं हो रही है। वर्ण मतलब एक वर्ण, एक अक्षर, एक आप इंग्लिश में लेटर कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए लाइन में आप देख सकते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें जो च वर्ण है वो बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। अगर ये इसमें मतलब ये अनुप्रास अलंकार नहीं था, ये लाइन सिंपल होती तो इस पर ध्यान नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन ये ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है हमारा च वर्ण। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब जब कि कोई भी वर्ण, ये च वर्ण ही क्यों, कोई भी वर्ण बार बार आए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग हों, मतलब शब्द भी 2 या 2 से अधिक बार आए, सेम शब्द, और लेकिन शब्द तो सेम लग रहा है हमें लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। अब जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसका मतलब ये है कि कनक कनक, देखिए आप, आपको लग रहा होगा कि ये शब्द 2 बार क्यों यूज़ कर दिया, लेकिन इसका एक ही अर्थ नहीं है, इसके अलग अलग अर्थ हैं।
इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। धतूरा जो अगर इंसान ज़्यादा खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, और सोना अगर इंसान को ज़्यादा मिल जाए वो भी पागल होता हो जाता है खुशी के मारे। तो इसी वजह से इसको ये दो अर्थ अलग अलग हो जाते हैं इसके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। फिर आता है आपका श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में और यमक में कन्फ्यूज़न होता है। यमक में क्या होता है कि एक शब्द सेम शब्द आता है, वो दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। लेकिन श्लेष में क्या होता है, इसमें शब्द सिर्फ एक ही बार आता है, शब्द सिर्फ एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ ज़्यादा होते हैं, अर्थ उसके अधिक होते हैं। यानी कि शब्द का एक बार यूज़ होगा लेकिन अर्थ अलग होंगे। अब देखिए आप इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन को आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट लाइन का इसमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड लाइन में पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इसमें जो पानी का अर्थ है मोती मानुष चून तो तीनों शब्दों के लिए अलग अलग है। इसमें देखिए पानी जो है मोती के लिए जो पानी का यूज़ हुआ है, पानी चमक चमक के लिए यूज़ हो गया है, पानी का अर्थ होता है चमक इसमें। और मानुष के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, और चूने के लिए पानी का अर्थ है पानी। यानी कि इसका ये मतलब दिया हुआ है कि मतलब अगर पानी चला जाता है, मतलब रही मन पानी राखे बिन पानी सब सून, मतलब पानी के बिना कुछ नहीं है, अगर पानी चला गया तो ये तीनों नहीं उभर पाएंगे। यानी मोती की कोई कोई अस्तित्व नहीं रहता है मोती का चमक के बिना, मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है सम्मान के बिना, ऐसे ही चूने का भी कोई अस्तित्व नहीं है पानी के बिना। तो इसमें ये समझाया जा रहा है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये शब्द एक बार यूज़ होता है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होते हैं, सॉरी मतलब अर्थ ज़्यादा होते हैं उसके, एक से अधिक होते हैं। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तो तुलना से ही आप समझ सकते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हरिपद कोमल कमल से। तो देखिए हरी जो मतलब भगवान है उनके चरणों की तुलना कमल से की गई है, यानी कि उनके जो चरण है कमल जैसे कोमल हैं। इसमें जनरली पहचान जो होती है वो सिंपल है, इसमें पहचान के लिए ये शब्द यूज़ किए जाते हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, जैसे सा सी से सम तुल्य सरिस। अगर आपको डेफिनेशन भी याद ना आए तो आप ये शब्दों को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार ही होगा, यानी कि तुलना की जा रही है। ठीक है, अब इसमें हरिपद कोमल कमल से में से आ गया तो यानी कि तुलना की जा रही है। जैसे चंद्र सामुख में सा आ गया यानी चंद्रमा जैसा मुख, उसके मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो इस तरह से ये उपमा अलंकार होता है, तुलना जहाँ भी आए तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मैंने जब अलंकार पढ़े थे तो मुझे उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा में बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहा था, ये कन्फ्यूज़न मैं आपका आगे दूर कर दूंगी, अभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। रूपक अलंकार में होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात दोनों में एक रूपता दर्शाई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरि राई, इसमें चरण को कमल का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि एक रूपता दर्शाई जा रही है, चरण को कमल बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कृष्ण जी का श्याम शरीर है उस पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं कि मानो जो नीलमणि पर्वत है ना, नीलमणि पर्वत नीला होता है तो उस पर जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं ना, तो कृष्ण जी का शरीर ऐसे लग रहा है। तो यानी कि इसमें संभावना की जा रही है। ठीक है,
अभी देखिए आपको तीन तीनों अलंकार में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में। आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर किए देते हैं। देखिए नेक्स्ट में, अब यहाँ पे हम इन तीनों में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो मैंने इनका देखिए एक ही एग्जांपल ले लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दिया हुआ है चंद्र सामुख, चंद्र सामुख। तो उपमा की जा रही है यानी तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो इसमें सा शब्द का यूज़ हुआ हुआ है, तो ये देखते ही पता चल रहा है यानी मुख कैसा है, चंद्र सा, चंद्र के समान है। फिर आता है आपका रूपक, रूपक में मुख को चंद्र ही बता दिया है। ये कहा गया है कि भाई मुख जो है वो चंद्रमा ही है, यानी कि एक रूप दे दिया है चंद्रमा को और मुख को। इसके बाद है आपका उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में संभावना की जा रही है, मानो चंद्रमुख हो, मानो चंद्रमुख हो, किसी के मुख को बोला जा रहा है कि मानो चंद्रमुख हो, ऐसा मुख है इसका कि मानो चंद्रमुख हो। तो उम्मीद है आपको इन तीनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वैसे ये बेसिक जो अलंकार हैं, ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।